नहीं नहीं तब तो सही बोलना है सा, ध, ये वाला सा खींच के ले गए इस वाले सा पे रखा और वहां पे सुर क्या बोला ध और उसको खींच के रखा द पे, ये इसीलिए मीट बोल रहा हूं ना, खींचना है इसे, ये वाला सुर दो तक जाएगा और ये वाला सुर भी दो तक आएगा। वो एक एक बात पे रोने लगा था समुंदर पालक सचराचरा सादानी, ये मीड़ ली थी मैंने सादा, और मीड़ कैसे ली, सा से ध पर आया लेकिन निषाद को स्पर्श करके सा ध। हारमोनियम है पास में है ना, लेके देखो सादा, सा से सा पे जाओ सा सा, पांचवी गाली, एक तो तरीका है सा सा लगाओ गले से, है ना, और एक है सा सा खींच के लेके गए सा, हाँ अब सादा साद, ऊपर जाके नहीं डायरेक्ट ध्वनि बोलना, ये दूसरा तरीका है, ये मीड़ की गायकी इसे कहते हैं, है ना, मीड़ की गायकी कैसे होगा, सा पर ही ध बोलना है आपको, सा के ही सुर पर, सा की जो फ्रीक्वेंसी वहीं ध बोलना है और उस ध को खींच के उसकी आस आपको ध की फ्रीक्वेंसी तक लानी है सा ध ध, ये सा है और यहां मैं बोल रहा हूं ध और इसे खींच के लाऊंगा ध, ये ध है ना, ऐसे करना है, उस पे ध बोलना है ध करो, नहीं नहीं तब तो साई बोलना है सा, ध, ये वाला सा खींच के ले गए इस वाले सा पे रखा और वहां पे सुर क्या बोला ध और उसको खींच के रखा द पे, ये इसीलिए मीट बोल रहा हूं ना, खींचना है इसे, ये वाला सुर दो तक जाएगा और ये वाला सुर भी दो तक आएगा, हाँ सा करो ध, छोटा छोटा करो, दो मीण है ना, ऊपर वाली करो ध, सा पे ध बोलना है और उसको ध तक लाना है ध, हाँ ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा फ्रेज है और पहला क्या था सा, ये पहला फ्रेज था और दूसरा था ध, अब इन दोनों को जोड़ दो सा ध, ठीक है, अब जब इसका अच्छा रियाज हो जाएगा तो क्या गा पाओगे, पालक सचराचर, ये च एक ही अक्षर बोला है जिसमें ये दोनों मीण आ गई, जो अभी मैंने दो मीण आपको गवाई सा ध, ये दो मीण थी और ये एक ही अक्षर में च च, ये इतनी जल्दी हुई सा सा ध, इतनी स्पीड बढ़ गई इसकी, है ना, इसको मैंने ब्रेक डाउन करके स्लो में आपको बताया तो वो सा ध, तो वो कैसी हुई पालक सचरा चरा चरा, अब ये चरा सीधा ध नहीं लगाया, सा से सा गए और उस सा से इस ध पे आए, ये तीन सुरों से एक सुर लगा, इसे कहते हैं मीण, है ना, ये ऑर्नामेंट है धा, तो ये कैसे लगेगा जब बारीक एक एक करके सा ध, एक मीण का अलंकार मैंने बनाया है, उसकी भी आपको मैं प्ले उसका लिंक भेज दूंगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप जब करोगे जैसे मैंने बोला है ना, हर चीज की एक्सरसाइज अलग होती है,
लोग क्या कहते हैं कि मीण सीखनी है आपको तो चीजें गाओ तो उसमें से मीण आ जाएगी, ऐसा नहीं है, उसका अलग से रियाज करना पड़ता है। हर ऑर्नामेंट का अपना अलग रियाज है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इनको करोगे तो अपनी प्रस्तुतियां जो हैं, प्रेजेंटेशन जो है वो सुधरेंगी। मीण का जो अलंकार भेजा है उससे आपको ही समझ आएगा। ये जो कर्व बनाते हैं कैसे बनाते हैं, उसी सुर को खींच के दो सुरों पे कैसे ले जाएंगे। अब ग, अब ये चार सुरों तक मैंने ग ही अक्षर कैसे घुमाया। प, प, अब जैसे बने बने बसा, अब ये सा ही बोला लेकिन ये सा, इस एक ही सा के अक्षर में मैंने सारा साउंड ले लिया तीन सुरों का। सा गरे गमा गरे, है ना। अब जैसे सारे मा पानी ने सारे ने धा पदा मग, है ना, पदा मारे। अब रे लगाया तो बीच में ग भी छू दिया था, स्पर्श था, इस तरह से स्वर लगते हैं। तो वो कैसे हो पाएगा, जब इस मीण के अलंकार को करोगे तब ये चीजें दिखने लगेंगी, समझ आने लगेंगी। ठीक है।